टिकटॉक लाइव पर था मैं आज से कुछ 3 4 दिन पहले, एंड आई थिंक ये मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ पॉडकास्ट पर जो है ये मैं बताऊंगा। मैंने इससे पहले कभी बताई नहीं है, बट बहुत एक वेयर्ड चीज़ हुई एंड मज़ा भी आ रहा था मुझे, ठीक है, एंड मुझे हंसी भी आ रही थी। सही है। टिकटॉक लाइव पर एक बंदा आया, उसका नाम था सेटिन। सही है। एंड वो कहता है कि जी मैं खून पीता हूं। बाहर निकला ही तो 24 साल का लड़का है, शक्ल नहीं दिखाता। बकौल उसके कि वो सिगरेट जब पीता है तो कुछ ब्लड ड्रॉप्स जो है वो उस पर डालता है, सिगरेट पर, एंड वो स्मोक करता है, या खून जला के या खून धूप में सुखा के वो पीता है या खाता है, व्हाटएवर। ठीक है, वजह बताई, वजह क्या कह रहे हैं बताई क्यों करता वो ऐसा जी, क्यों करता है? है? नहीं, भाजा मुझसे पूछे, मुझे बता रहे हैं हाँ भाई। वो करता इसलिए है क्योंकि उसने किताब पढ़ी थी, एंड के नाम से वो किताब थी। आई डोंट नो मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा। यार, ये किताब रिसेंटली बड़ी वायरल हुई है। अच्छा, आपको इससे पता है इसके पहले बारे में? इस किताब के बारे में तो मैं बात भी नहीं करता, क्योंकि ये वाकई बहुत लिजिट सीन है इस किताब का। वाकई में? और ये जो है रिसेंटली एक दुबई का एक बंदा है, अपना वो भी हॉरर स्टोरीज के ऊपर सारे अपने टिकटॉक्स वगैरह करता है। वो बंदा अरबी है, वो बंदा होगा मस्ट बी इन हिज 30s, दैट गाय। तो इस किताब के बारे में पूरी दुनिया में कोई भी बात नहीं कर रहा था, उसने बात अपनी एक वीडियो में कर दी और उसकी वीडियो हो गई वायरल। और उसके बाद पूरी दुनिया उस किताब के बारे में बात करना शुरू हो गई कि काले इलम की ये सबसे हैवीएस्ट किताबों में से एक है, हाँ ये हाँ जो हाँ बात हाँ कर रहे हैं और इसके बारे में मैंने गूगल किया था, उस पे था, सॉरी टू कट यू ऑफ, उस पे था आप। हाँ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक। डेंजरस बिल्कुल। ये रियल है? श्योर। उसके बाद उस लड़के ने अपने फॉलोअप वीडियोस डाली है, उस लड़की की जिंदगी अजाब हो गई थी। उसके पीछे कोई बंदा सोशल मीडिया पर लग गया था जिसको उसने मैसेज किया था, उसने बोला कि ये तुमने इस बारे में लोगों को तुमने जो आगाही की है, क्योंकि होता पता है क्या है आपकी हाँ इसमें भी जो है ना ग्रेड्स हैं, इन इन चीजों के अंदर भी जो डार्क फोर्सेज हैं आपकी उसमें ग्रेड्स होते हैं आपके, ठीक है ना। तो वो अक्सर आपकी उस जो उस बकौल उस बंदे के जो उसने अपने पॉडकास्ट में पूरा बताया था, उसने बोला कि उन नाराजगी उनकी ये हुई थी कि ये तो हाई लेवल ग्रेड की डार्क फोर्सेस का काम है, तुमने दुनिया के सामने इसको आम क्यों कर दिया इस चीज को। तो वो उस बंदे की साथ जो है ना वो पीछे उसकी काफी मसले मसाले शुरू होते उस बंदे के साथ। तो उसने बोला कि यार आई रिग्रेट टॉकिंग अबाउट द बुक ऑन माई पॉडकास्ट, तो बोला क्योंकि तब से मेरी जिंदगी सुकून में नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार। या उस जो डार्क फोर्सेस के प्रैक्टिशनर थे और डार्क फोर्सेस देमसेल्व्स दे कम्युनिकेटेड विद हिम वाई डिफरेंट सोर्सेज सोशल मीडिया प्लान में आता, उसमें लगा ये यू देर विल बी रिपरकशंस, अपना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बिकॉज ये यू यू शुडंट हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस बुक दैट ओपनली। क्या है हम कर रहे हैं जो सही है? है क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके बारे में बात ना की जाए, इसलिए मैंने उसका बैकग्राउंड दिया था उस बंदे का कि, और बहुत सारे लोग इस पर अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड दे शुड इट, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें ले लेंगे, बहुत सारी चीजें बाकी लिजिट है When it comes to evil, good and evil on both sides, बहुत सारी चीजें legit है आपकी। So, कुछ चीजों के अंदर बिल्कुल भी मैस अराउंड नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो व्यूज के चक्कर में शुगर के चक्कर में इस तरह लग जाते हैं, लेकिन दे शुडंट। एंड मैं अपने एडिटर को ये चीज़ बात मेंशन कर देता हूँ अभी, और ये पॉडकास्ट में भी डल जाएगा कि भाई ये इस किताब का जो मैंने नाम लिया है इसको आप म्यूट कर देंगे, नंबर 1। हाँ नंबर 2 ये कि अब मैं ऑडियंस से मुखातिब हूँ, देखें ऐसी मेरा किताबों को सर्च ना करें। ऐसे किताबों को सर्च ना करें। अगर आप समझ गए हैं कि इस किताब के बारे में बात हो रही है, प्लीज़ डोंट कमेंट, कमेंट मत करना, ठीक है? मेरा भी घर बार है, आप लोग का भी घर बार है, एंड कुछ बिल्कुल चीज़ें मजाक में भी नहीं करनी चाहिए, तो ये उनमें से एक चीज़ है, बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली डेंजरस। एंड इसी बात पे हम इस टॉपिक को कर दें खत्म, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस।